तो बिहारी ट्रेडर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखो गाइस, मैं तो अपना पोजीशन बना लिया हूँ आज का। आज का मेरा पोजीशन है डाउन साइड का, ठीक है, क्योंकि आज मैं ऊपर के लिए साइड लेने, ऊपर के साइड में ट्रेड लेने वाला हूँ नहीं, क्योंकि देखो मार्केट ऊपर के साइड में जब ही लूँगा, जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा, ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, तभी ऊपर के लिए ट्रेड लूँगा, वरना मैं ट्रेड आज लेने वाला नहीं ऊपर के लिए। मैं सिर्फ नीचे का ही देखूँगा आज, ठीक है। तो देखो मैं ट्रेड यहाँ पे लिया हूँ, कुछ मेरा यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ मैं इस कैंडल पे, क्योंकि ये जो है, ये जो लाइन है बहुत, मतलब ये अभी रेसिस्टेंट का काम कर रही है वाला, ठीक है, ये रेसिस्टेंट का काम कर रहा है और ये भी रेसिस्टेंट का ही काम करेगा, इसलिए मैं इसे इसके थोड़ा सा ऊपर का मैं स्टॉप लॉस रखा हूँ, ठीक है। बाकी देखते हैं, बाकी मेरा इसके लेवल का मेरा टारगेट रहेगा आज, तो देखते हैं जैसा भी होता है, बने रहिए साथ में। और मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है देखते हैं। वैसे भी देखोगे मेरा आज, मेरे हिसाब से मार्केट नीचे ही रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाना तो मेरे हिसाब से आज ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे ही आएगा मार्केट। बाकी पता नहीं कैसे होगा, देखते हैं, मार्केट है भाई, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। जरा इसमें मैं 3 मिनट में भी देखता हूँ, मैं 3 मिनट में ऐसा कुछ है। देखो मार्केट बहुत ही सिंपल बना रहा है, बहुत ही सिंपल बना रहा है मार्केट। देखो क्या सिंपल बना रहा है, ये मार्केट ऐसा आया, ऐसे ही गया, फिर ऐसा आना चाहिए। डाउन ट्रेंड में रहेगा तो, अगर अप ट्रेंड में रहेगा तो फिर ये यहाँ से कहीं से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रेन अभी ये कंफर्म करेगा किधर जाना है, ट्रेन कौन सा रहेगा, ठीक है, तभी मेरे हिसाब से तो डाउन ट्रेंड में आज रहना चाहिए। तो अभी बाकी देखते हैं, जैसे अभी होता है जो होता है, बने रहे साथ में। देखो मैं आपको आज का स्टॉप लॉस और टारगेट में दिखाता हूँ आपको। मेरा है आज का स्टॉप लॉस, देखो मेरा 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट मेरा 222 पॉइंट का है, ठीक है। अगर 200 पॉइंट तक आ जाता है तो मैं निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 200 पॉइंट से पहले नहीं निकलता है, ठीक है। यहाँ पे 220-22 तक मेरा टारगेट है अभी तक, तो देखते हैं जैसा भी होता है, बने रहिए साथ में और देखते हैं जैसा होता है। तो गाइस देखो मेरा जो है, मेरा टारगेट यहीं तक रहेगा आज का, ठीक है। उसके बाद जो है मेरा स्ट्रेटजी में सिर्फ काम करूँगा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी जो है मेरा, उसमें अगर मिलेगा मुझे स्ट्रेटजी में तो ही ट्रेड लूँगा, नहीं तो आज मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो चुका है, 200 पॉइंट से प्लस मुझे आज मिल चुका है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली है, तो टारगेट मेरा हिट हो ही जाएगा, नहीं भी होगा तो मैं यहीं पर कहीं पर निकल जाऊँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, देखो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं 80% क्वांटिटी में यहाँ पे निकल जाऊँगा और सिर्फ 20% क्वांटिटी यहाँ पे मैं होल्ड कर दूँगा, क्योंकि लंबा यहाँ से हो सकता है ना कि यहाँ से ये नीचे आके सस्टेन करके फिर ब्रेक करे फिर नीचे आए, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मार्केट आज का ऊपर ही जाने वाला नहीं है, ठीक है, नीचे ही रहेगा मार्केट, और ऊपर जाएगा अगर इसके ऊपर में सस्टेन करता है फिर ब्रेक करता है इसे, ठीक है, तभी मैं ऊपर के ले लूँगा, नहीं तो ऊपर के लिए आज का ट्रेड ले लूँगा। और मैं यहीं पे मैं जस्ट अभी एग्जिट यहीं पे करूँगा मैं, तो देखते हैं। मेरा टारगेट तो बहुत नज़दीक, बहुत ही मतलब टारगेट हिट हो ही जाएगा अब, ऐसा तो लग रहा है, अब देखा जाए तो देखें क्या होता है इसमें। अब देखो मैं ना गाइस, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि हमेशा लर्निंग पे ध्यान दो, कभी भी लॉस नहीं जाओगे आप। अगर आप प्रॉफिट पे ध्यान दोगे कि हमको रोज़ कमाना है, पैसा कमाना है, हमको पैसा कमाना है, फिर
जो पैसा है वो भी चला जाएगा। तो इससे अच्छा है पहले 1 साल 6 महीना आप लर्निंग कर लो, सीख लो, समझ लो मार्केट क्या है, कैसे चलता है, क्यों चलता है, तो उस हिसाब से फिर काम करो, ठीक है। क्योंकि सारा चीज़ यहाँ पे HDFC बैंक के ऊपर है। देखो HDFC बैंक मैंने पहले ही बोला था कि HDFC बैंक यहाँ पे आज नीचे ही रहेगा, और यहाँ पे सुंदर सा डबल टॉप बनाया, यहाँ पे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे नीचे आया, तो ये थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। और मेरा टारगेट भी सिंपली मेरा टारगेट आज हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं जैसा भी होता है, क्या होता है नहीं होता है, बने रही है साथ में। देखो यहीं पे मैं निकल जाऊंगा अब, एक सेकंड। तो गाइस मैं यहाँ पे 80% क्वांटिटी यहाँ पे मैं निकल गया, ठीक है, 80% क्वांटिटी यहाँ पे निकल गया, 20% क्वांटिटी मैं यहाँ पे होल्ड करके रखा हूँ अभी। और 20% क्वांटिटी का जो अभी स्टॉप लॉस में रखूँगा, ठीक है, वो वाला मेरा स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा, मतलब यहाँ से तो मेरा बाइंग प्राइस है, और मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा ना, देखो टारगेट हिट हो चुका है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 20% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा, ये जो है मेरा ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ पर टच करता है, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग करता है 1 मिनट का, तो मैं आराम से निकल जाऊँगा। देखो मेरा, देखो अब जो ये है, ये क्या करना चाह रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर रिएक्शन लेना चाहेगा, ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। और मेरा 20% क्वांटिटी का मैं यहाँ पर रखता हूँ, नहीं तो यहाँ पे अभी होल्ड भी रह सकता है, क्योंकि 10 बज गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सस्टेन भी कर सकता है मार्केट, इस तरह से सस्टेन कर सकता है, फिर जिधर ब्रेक करके उधर का हम ट्रेड ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, मेरा गाइस बहुत बड़ा प्रॉफिट आज हो चुका है, तो मैं ये 20% भी निकल जाता हूँ, मैं आज ट्रेड और करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे काम में थोड़ा सा कहीं जाना पड़ेगा आज। तो गाइस ये भी मैं निकल गया, पूरा क्वांटिटी यहाँ से मैं एग्जिट हो चुका हूँ, भले मार्केट आप किधर भी जाए कोई मतलब नहीं है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।